इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए, जो कि हमारे पास अभी टीवीएस स्पोर्ट BS4 बाइक है। और इस बाइक में अगर हमारे स्पार्क प्लग में करंट नहीं आता है तो उसे यानी कि कैसे चेक करना है, स्पार्क प्लग का जो ये वायर होता है इस वायर में हमारा करंट नहीं आता है तो हमें किस तरीके से चेक करना है। तो ऑटोमेटिक है कि अगर इस करंट तो वायर में करंट नहीं आएगा तो हमारा बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो फाइनली इसे चेक करने के लिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कोई भी हमें CDI वगैरह देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ यहाँ पे आपको HT कॉइल मिलेगा और इसी के साथ साथ यहाँ पे रेगुलेटर, यही दो चीज़ होता है। और हमें कहीं से अभी यानी कि जिस तरीके से हमारी बाइक में CDI वगैरह ये वो होता है उस तरीके से इसमें नहीं होता। तो फाइनली इसे यानी कि कैसे चेक करना है, बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो कि फंस जाते हैं यानी कि काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो अगर आज का आप ये वीडियो देख लेते हैं तो बहुत ही आपके लिए आसान होगा, कभी भी अगर ऐसी बाइक आती है तो आप बहुत ही जल्दी उसे सही कर सकते हैं करंट से रिलेटेड। तो ये यहाँ का कपलर है तो इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मैग्नेट से लेकर चलेंगे और वहाँ से आपको दिखाएँगे कि किस तरीके से आपको चेक करना है। तो ये सब चीज़ चेक करने के लिए हमारा जो इग्निशन होता है ये सही होना चाहिए, प्लस में इसके बाद जो हमारा बैटरी होता है, जो BS4 बाइक होता है उसमें हमें बैटरी की काफ़ी यानी कि ज़रूरी होता है। बैटरी अगर ख़राब होता है तो आप जल्दी से यानी कि बैटरी लगाएं, और अगर बैटरी नहीं लगाते हैं तो आपकी बाइक में काफ़ी यानी कि प्रॉब्लम आ सकता है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि BS6 जो बाइक होता है उसमें भी हमें बैटरी का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर हमारी बैटरी लो हो जाता है तो हम स्टार्ट करने में काफ़ी परेशान हो जाते हैं, 5 बार 10 बार 15 बार किक लगाते हैं तभी हमारी बाइक स्टार्ट होता है। तो फाइनली इसमें भी कुछ उसी तरीके से है पर उससे कम है, तो इसका हमें किस तरीके से देखना है। तो इसका जो बैटरी है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है और इसमें करंट नहीं आ रहा था, तो हमने इसमें क्या किया, सिर्फ यहाँ पे यानी कि दूसरा नया बैटरी अटैच किया, मीटर में लाइट आया, न्यूट्रल लाइट और इकोनॉमी लाइट, तो फाइनली तुरंत इस वायर में करंट आ गया, स्पार्क प्लग में करंट आ गया और बाइक स्टार्ट हो गया। और जब फिर हमने निकाल दिया यानी कि फिर यानी कि करंट आ रहा, वैसा नहीं कि बैटरी निकालने के बाद करंट नहीं आने लगा, बिल्कुल आने लगा। बस हमने क्या किया, यहाँ पे वायर बैटरी को सटाया और करंट आना स्टार्ट होना बिल्कुल मस्त है और कहीं से भी कोई अब प्रॉब्लम नहीं है। पर बात आती है अब कि इस तरीके से हम कितना करते रहेंगे, अगर इसमें हम बैटरी लगा देते हैं तभी हमारी ये प्रॉब्लम जड़ से दूर होता है, और अगर इस तरीके से हम छोड़ देते हैं तो ये यानी कि कभी भी दिक्कत इस तरीके से कर सकती है करंट से रिलेटेड। तो अब बात आता है दोस्तों हमें करंट चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो आर्मेचर कॉइल होता है हमारा, यहाँ से देखना होता है जो इससे लाइटिंग कॉइल निकलता है तो वो एक पीला कलर के वायर में निकलता है, यहाँ पे ये वाला कपलर आता है इसका, ये वाला दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ये वाला वायर देख सकते हैं यहाँ से होते हुए, ये वाला यही वाला वायर हमारा यहाँ पे होता है, ये देखें। और एक वायर इसमें आप अलग देखते होंगे वाइट कलर का, जो कि ये पिकअप कॉइल के लिए होता है। तो फाइनली हम यहां से आपको बताते हैं ये जो पीला कलर का वायर है इस वायर में आपको करंट जो आउटपुट होता है उसे देखना है, जो आर्मेचर कॉइल से आउटपुट करंट जो आता है हमारा इस कलर के वायर में यानी कि पीला कलर के वायर में करंट सप्लाई आता है यहाँ पे, और इसके ज़रिए से फिर ये जो रेड कलर की वायर है यहाँ से यानी कि सप्लाई देता है, जो कि बैटरी चार्जिंग और आगे यानी कि हमारे स्टार्टिंग से रिलेटेड काम करता है। तो यहाँ पर भी हमें देख लेना चाहिए इस रेड कलर के वायर में कि यहाँ पर एक तार लगा के बॉडी से टच करके कि हमारा जो करंट है वो यहाँ पर बैटरी चार्जिंग के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरीके से यहाँ अगर यहाँ से हम कन्फर्म हो जाते हैं कि यहाँ तक आपकी करंट आ रहा है तो आगे आपको वहाँ पे चेक करना है, जो हमारा ST कॉइल होता है उसमें चेक करना है। बात आता है कि वहाँ पे हमें किस वायर में चेक करना है तो ये चीज़ भी हम बताएंगे आपको। यहाँ पे एक जो पिकअप कॉइल का वायर होता है जो ये सफ़ेद कलर का वायर है वाइट कलर का, इसमें हमें पिकअप कॉइल ज़रूरी देखना है। पिकअप कॉइल अगर ये वायर कट जाता है यहाँ से आपको पूरा करंट कन्फर्म आ रहा है तो उसके बाद भी यानी कि आप कुछ भी कर लीजिए, नया बैटरी डाल लीजिए, रेगुलेटर डाल दीजिए, ST कॉइल डाल दीजिए, इग्निशन कॉइल डाल दीजिए, तो यानी कि करंट आएगा ही नहीं अगर इसमें हमारा करंट नहीं आ रहा। तो ये रेंज, इसमें हमें करंट चेक करना नहीं होता, इसकी जो रेंज होता है मल्टीमीटर के ज़रिए से इसका हम रेंज चेक कर सकते हैं। इसमें करीब रेंज है हमारा 180-200 इस तरीके से आना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो कि ये ST कॉइल होता है इसी के अंदर हर एक सिस्टम दिया गया है CDI जैसा, क्योंकि हमारे बाइक में अलग से इसमें आपने देखा होगा कि CDI नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें किस वायर में करंट को चेक करना है, तो फाइनली हम इसे निकाल देते हैं यहाँ से,
और कभी कभी क्या होता है कि अगर करंट मिसिंग या छोड़ने और पकड़ने की प्रॉब्लम होता है, कि यानी कि कभी करंट छोड़ दिया कभी पकड़ लिया, इस तरीके से अगर दिक्कत करता है तो आपको यानी कि ये कपलर भी कभी लूज हो जाता है, जो कि उसके ज़रिए से हमारी बाइक इस मॉडल में खास करके ये चीज़ दिक्कत होता है कि अगर आप यहाँ से हल्का इस कपलर को हिलाएंगे तो करंट आ जाएगा, और वरना फिर करंट चला जाता है। इस तरीके से भी होता है, जो कि ये कपलर ख़राब होने के कारण से, लूज पड़ने के कारण से, इस तरीके से भी ये बाइक दिक्कत करने लगती है। तो ये चीज़ पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। सबसे पहले अगर आपके पास बाइक आता है तो यही काम करके देखें, तभी आप उधर छिड़काव नहीं करें। तो यहाँ पे आपको बहुत कलर का वायर दिखता होगा, जो कि सिर्फ हम स्टार्टिंग से रिलेटेड आपको बताएँगे। तो यहाँ पर एक रेड कलर का वायर है, जो रेड नहीं है यानी कि रेड से हल्का कम रेड कलर का वायर है, ये वाली, ये देखें ब्राउन कलर की वायर। इस वायर में आपको 12 वोल्ट यानी कि अगर आप इसमें बैटरी नया लगा के चेक करें, उसमें 12 वोल्ट होना चाहिए, 10 वोल्ट। अगर बैटरी आपकी 10 वोल्ट चार्ज है या 9 वोल्ट है या 12 वोल्ट है, तो आपको यहाँ पे मल्टीमीटर के जरिए से इसकी वोल्ट चेक करना है। डायरेक्टली हम इग्निशन को ऑन करके यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारे जो करंट है 12 वोल्ट बैटरी की, वो पूरा यहाँ तक सप्लाई देना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि यहाँ तक हमारे जो करंट है बैटरी की पूरा परफेक्ट आ रहा है। तो इतना हमें करना है। और दूसरा जो वाइट कलर की वायर है यहाँ पे, ये हमारा पिकअप कॉइल को होता है। पिकअप कॉइल यानी कि 100% हमें चाहिए ही चाहिए। पिकअप कॉइल हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर पिकअप कॉइल का वायर कट जाता है कहीं से भी, तो आप कुछ भी लगा लीजिए, आपकी बाइक में करंट नहीं आएगी। तो पिकअप कॉइल में हमें क्या देखना है, पिकअप कॉइल में करंट नहीं देखना है, पिकअप कॉइल में इसकी रेंज देखना है कि पिकअप कॉइल की रेंज कितनी है। पिकअप कॉइल की जो रेंज होना चाहिए वो 180, 200, 190, 175, इस तरीके से इसकी रेंज होना चाहिए। और उसके बाद भी अगर आपको डॉट लगता है कि पिकअप कॉइल में हो सकता है कुछ दिक्कत है, या यहाँ तक रैम सही आ रहा है उसके बाद भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ से आर्मेचर कॉइल खोल के पिकअप कॉइल भी देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा पिकअप कॉइल फूल जाता है या टूट जाता है, तो उसके बाद भी यानी कि या उसके ऊपर कुछ कचरा आ जाने के कारण से हमारी करंट नहीं आने लगते हैं, तो उसे भी यानी कि खोल के आप चेक कर लें। वो सब दिक्कत अगर होगा भी तो यहाँ से आपको उतना ही रैम बताएगा, 180 या 200, इस तरीके से। तो इसीलिए यानी कि वहाँ से भी आपको चेक कर लेने चाहिए, अगर इसमें करंट नहीं आ रहा है या स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से देखना है। इसमें हमें पिकअप कॉइल की रैम चेक करना है वाइट कलर के वायर में, और इसमें हमें बैटरी की 12 वोल्ट सप्लाई चेक करना है। बस दो तार में यहाँ पे आप अगर इतना कंफर्म करते हैं, तो आपकी बाइक की जो करंट है वो पूरा प्रॉपर तरीके से परफेक्ट यहाँ तक आ जाएगी, कहीं से फिर कोई भी लोचा नहीं है, इधर उधर से आपको वायर काटने की या और भी परेशानी होने की कोई भी ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल आसान तरीका है। एक बार मैं फिर आपको दोस्तों बता देता हूँ वहाँ से आपको किस तरीके से चेक करना है। बस यहाँ से आपको पीला कलर के वायर में इनपुट चेक करना है, आउटपुट आपको रेड कलर में चेक करना है, फिर यहाँ से आपको वाइट कलर का जो वायर होता है ये वाला, इसमें आपको रैम चेक करना है पिकअप कॉइल की, और इस कलर वायर में आपको बैटरी की 12 वोल्ट सप्लाई चेक करना है, और वाइट कलर के वायर में आपको पिकअप कॉइल देखना है। इतना देखने के बाद आप कंफर्म जो प्रॉब्लम होती है उसे आप पकड़ लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। हम इसमें काम क्या करेंगे, इसका जो बैटरी है इसका हम बैटरी यानी कि चेंज कर देंगे। सिर्फ हमारा अभी वीडियो बनाने का यह मकसद था कि किस तरीके से ये बाइक वायरिंग से रिलेटेड काम करता है, हमने सोचा कि आपके साथ क्यों ना इसे शेयर किया जाए, क्योंकि आप भी यानी कि इसके ज़रिए से काफ़ी यानी कि सीख सकते हैं और आपकी जो काम है वो आसान हो सके। कभी यानी कि इसके चक्कर में आप ज़्यादा परेशान ना हो, इसीलिए हमने थोड़ा मेहनत करके आपके साथ शेयर किया, और आप भी थोड़ा सा बस मेहनत करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे जो जानकारी होगा इससे और भी बेहतरीन जानकारी हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमें इसमें बैटरी लगाना है, नया बैटरी, इंजन ऑयल डालना है, और भी यानी कि सर्विस वगैरह इधर उधर काम करना है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने अगर कुछ भी यानी कि आपको दिक्कत हुआ हो कि कहीं से भी आपने अगर नहीं समझा, तो आप हमें उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करें, और आगे किस तरीके से आपको वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।